वह इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुंब्रा पुलिस में बजरंग दल पर FIR दर्ज करने की मांग। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI अशोक कडलक को मेमोरेंडम देकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने मांग की है। आपको बता दें कि कलवा में नुपुर शर्मा के समर्थन में कुछ दिन पहले ही बजरंग दल ने प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन के दौरान मुसलमानों के खिलाफ यहां पर बयानबाजी की गई थी, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है। और समाजवादी पार्टी के कामिल जमई ने ट्विटर पर थाने पुलिस को टैग करते हुए ये वीडियो शेयर किया है और FIR दर्ज करने की मांग की। मुंब्रा एक शांति प्रिय इलाका है, यहाँ सभी धर्मों के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में काम भी आते हैं, मगर मुंब्रा की फिजाओं में कुछ शरारती लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मगर आप ऐसी चीज़ों से दूर रहें और किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान ना दें, भाईचारा कायम रखें। कल रात में बजरंग दल पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता भी मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे और ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कलीम जामई है। आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आए थे मेमोरेंडम देने के लिए, क्या पूरा मामला है उसके बारे में बताइए। जी, मैं कलीम जामई मुंब्रा कलवा समाजवादी पार्टी कार्य अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग जो है एक वीडियो वायरल हो रही है, कलवा बजरंग दल के लोगों ने कोई वीडियो वायरल किया है कलवा नाके पे, आंदोलन करके उन्होंने मुसलमानों को गालियां दी हैं, मारने पीटने की धमकी दी है और ये कहा है कि हम तलवार जिस दिन लेके निकल आएंगे उस दिन जीना दुभर कर देंगे और जो है तुमको जगह नहीं मिलेगी धरती पे, दो गज जगह नहीं मिलेगी, जो दो गज में तुम लोग दफन होते हो दफन नहीं होने देंगे। इस तरह की भड़काऊ बातें लगातार ये लोग पूरे भारत में करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज जगह जगह पर जो घटनाएं हो रही हैं नुपुर शर्मा के कांड के बाद इसी वजह से होती है, ये लोग भड़काते हैं और इससे माहौल खराब होता है। आज आपने मुंब्रा चौकी में पत्र व्यवहार किया है जी, तो मुंब्रा चौकी के सीनियर साहब ने आपको क्या कहा? सीनियर साहब ने कहा कि हमारे पास वो केस आया हुआ है और हमारे संज्ञान में है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। आपने क्या मांग किया? क्या लेटर? हमने FIR की मांग किया है, हमने कहा है कि उन लोगों पर जिन लोगों ने इस तरह की बातें भाषा बोली है, भड़काऊ बयान दिया है और इस तरह की धमकी दिया है, उस धमकी के आधार पर उनको हमारी एप्लीकेशन पर FIR दर्ज की। बजरंग दल वाले जिस तरह लगातार कुछ ना कुछ इस तरीके से लोगों को माहौल खराब करने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह का सा वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, हमेशा आए दिन सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट चलते रहते हैं जिसकी वजह से पूरा माहौल खराब हो रहा है। तो हमारा मांग यही है हमारी सरकार से कि इस तरह की पोस्ट डालने वालों पर सबसे सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह का जो है माहौल खराब होने वाली ना हो यहाँ। मुंब्रा पुलिस ने क्या कहा? मुंब्रा पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई हम इन पर कार्रवाई करेंगे, बहुत जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाएगा और अभी भी ये वीडियो लाइव ही है, अभी तक इसको बंद नहीं किया गया है, ये लगातार तेजी से शेयर हो रहा है। तो हमारी मुंब्रा पुलिस स्टेशन से यही मांग है कि इसको स्टॉप किया जाए और इस तरह के जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क है जो इनको वायरल चल रहा है तो उस तरह के सोशल मीडिया को भी इस तरह का नोटिस दिया जाए। साथ में मैं अब्दुल मन्नान शेख, चीफ जनरल सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी तालुका तलवा मुंब्रा विधानसभा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हिंदू संगठनों द्वारा, जैसे आपने कहा कि पूरे देश में इस तरह की बातें हो रही हैं, माहौल ख़राब किया जा रहा है और आज कल तो ऐसा हो गया कि सारी राजनीतिक पार्टियाँ भी अपने आप को हिंदुत्व ये दावा करें कौन सबसे बड़ा हिंदुत्व है। जब से BJP सरकार आई, हालांकि मेरी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, हम इस देश में यहीं से पढ़े बल्ले सब कुछ यहीं नौकरी की, कभी इस तरह का माहौल नहीं था जिस तरह का माहौल आज पूरे हिंदुस्तान में ख़राब हुआ है। इसकी पूरी जिम्मेदार BJP है। और हिंदुत्व तो मैं बोलना चाहता पूछना चाहता हूँ, हिंदुत्व का मतलब ये क्या? क्या मुसलमानों को या क्रिश्चियन को या इनको मारना हिंदुत्व तो नहीं है? हिंदुत्व का मतलब है कि आपस में भाईचारा हो, आपस में प्यार मोहब्बत हो। वही इस्लाम का भी वही मजा है, इस्लाम मजहब भी सिखाता है कि आपस में भाईचारा रहे, सब कोई किसी के खिलाफ ना बोले, वही हिंदुत्व का भी वही मतलब मेरे समझते हैं। लेकिन हिंदुत्व का मतलब ये लोग ऐसा निकाल रहे हैं कि बस कितना दावा दे। और मुंब्रा कलवा का माहौल 93-92 में जबकि पूरे हिंदुस्तान में इतना बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, इतना बड़ा फसाद हुआ था, लेकिन उस टाइम में भी मुंब्रा कलवा एकदम शांत रहा और सब भाई भाई की तरह हिंदू मुस्लिम मिल करके रहे। आज मुंब्रा कलवा में भी इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं कि इस तरह के हालात खराब किए जाए, माहौल खराब किया जा रहा है और इसीलिए हम लोग आज आए पुलिस स्टेशन में और हमने पुरजोर मांग की सीनियर साहब से, बल्कि हमारे कार्याध्यक्ष ने ये भी ट्वीट के जरिए ACP से भी बात हुई कि भाई सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई हो ताकि आइंदा कोई इस तरह की मुंडी ना उठावे मुंब्रा कलवा में। यह भी आपने पत्र व्यवहार किया है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो आगे आपका अगला कदम क्या? अगला कदम देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का ही होता है कि अगर हमारी नहीं सुनी गई कार्रवाई नहीं हुई तो हम रोड पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और उसको हम अरेस्ट कर करके उसको सांस लेंगे।